सिंह का सॉन्ग, जी हाँ, 3 घंटे में 2 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है इस सॉन्ग ने। साथ ही वहीं खेसारी का भी सॉन्ग रिलीज हुआ था, आदिशक्ति फिल्म से काजल बदल गई, जिसने 3 घंटे में 1.2 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है। आपको ये बता दें, इस गाने से भौकाल मचा दिया है, दिखा दिया है दम पवन सिंह के फैंस ने कि वो सोए नहीं हैं, वो जाग रहे हैं। साथ ही पवन सिंह ने अपने फैंस को जिस तरह से अपील की थी इस गाने के लिए, वो अपील रंग लाई है। बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी का, जो इतने बेहतरीन गाने लेकर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें, इस गाने पर बहुत मेहनत हुई है, ये दिखता है। पवन और नीलम गिरी की केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत है। आपने इस गाने को मिस किया है तो आप वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसे देख सकते हैं। धमाल मचाया हुआ ये गाना, इस गाने ने जिस तरह की तबाही लाई है, उस तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि पवन सिंह के फैंस उन्हें दिले जान से चाहते हैं। पवन सिंह के फैंस को उनके इस गाने का इंतज़ार था। और तो और, पवन सिंह का ये गाना बहुत बेहतरीन है। हमने अभी तक रिव्यू नहीं किया है, तो आपको बता दें कि इस गाने को अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन होली सॉन्ग मिस कर रहे हैं। बॉलीवुड के कई होली सॉन्ग्स आपको याद होंगे, लेकिन भोजपुरी का ये होली सॉन्ग आपके जहन में उतर जाएगा। पवन सिंह का ये सॉन्ग, जो लोग ये कहते हैं कि होली सॉन्ग के रूप में अश्लीलता परोसी जाती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन्हें ये सॉन्ग आप ज़रूर दिखाइए। साथ ही साथ इस सॉन्ग में नीलम और पवन की केमिस्ट्री भी बहुत बेहतरीन लग रही है, ये दोनों बहुत खूब लग रहे हैं। और अरुण बिहारी, जी हाँ, मीठा मीठा बात है, कमरिया की सक्सेस को फिर रिक्रिएट करेंगे अरुण बिहारी, बहुत खूबसूरत बोल लिखा है। और पवन के कुछ सिग्नेचर स्टेप भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी जिस तरह से कारनामे कर रहे हैं, उसे देखकर आगे आने वाले भविष्य में भोजपुरी की जो किस्मत है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। शुक्रगुजार होना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री को रत्नाकर कुमार जैसे प्रोड्यूसरों का, क्योंकि आज ही आपके समक्ष एक और वीडियो आया होगा जहाँ पर पवन सिंह और रवि किशन एक दूसरे को थैंक्स कह रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, उसकी भी न्यूज़ हम आपको क्लियर कर दें। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी ने मेरा भारत महान के सारे म्यूज़िक सैटेलाइट्स राइट्स अपने तरफ ले लिए हैं, अपने पास ले लिए हैं, और एक बहुत ही बड़े ह्यूज हैंडसम अमाउंट के साथ 1,91,00,000, जी हाँ, 1,91,00,000 में उसे खरीदा है। ये अब तक किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी सैटेलाइट्स राइट्स बेचे गए हैं उनमें सबसे महंगा सैटेलाइट राइट्स है। ऐसे ही भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।